गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम ऑडिबल? यस सर, यस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। टोटल अभी रह गया तीन लोग, मैं मैसेज कर देता हूँ। ओके, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है, और आज का जो सेशन है वो हमारा फोकस रहेगा विलेन पे, क्योंकि विलेन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि बिना, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लाते तो ये संभव ही नहीं था कि हम हर एक लोगों को इंटरनेट दे पाते, और इतनी सारी आईपी को मैनेज करना भी हमारे लिए आसान नहीं होता। दुनिया में तो अरबों लोग, कई करोड़ों की पॉपुलेशन है, जो इतनी आसान नहीं, और हर एक के पास दो से तीन तीन डिवाइसेज हैं, और आने वाले समय में हर एक डिवाइसों को भी इंटरनेट देना है, तो ये आसान नहीं था। और इसके लिए, और अभी जो हमारे पास जो पुरानी आईपी एड्रेस थी वो आईपी वी फोर में समस्या ये थी कि उसकी संख्या पहले से ही लिमिट थी, और आज का जो डिमांड है वो और ही ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास, और अभी भी, जैसा कि मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि अभी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो IPv4 पे ही अभी चल रहा है। स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस अभी भी आपका IPv4 है, देख लीजिए, मुझे लगता नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं बात कर रहा था कि अभी तक का जो इंटरनेट है वो पूरा का पूरा आपका IPv4 पे ही चल रहा है, और VLAN कॉन्सेप्ट जो आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे डिवाइसों को जोड़ने की कोशिश की। IPv6 पे माइग्रेशन का काम चल रहा है, और सन दिसंबर 2025 तक का टारगेट रखा गया है कि हम लोग IPv4 पे जो कुछ भी है वो सब IPv6 पे माइग्रेट हो जाए, जो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। देखते हैं होता है या नहीं होता है, लेकिन अभी का इंटरनेट जो है पूरा दुनिया का, वो अभी भी आपका IPv4 पे ही चल रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने जॉब एड शेयर किया है, उसके माध्यम से जो जो पॉइंट्स आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे, और इसके आधार पर आप, हम लोग सभी लोग समझ पाएंगे कि कैसे एक ही IP पे हम पूरे शहर को भी इंटरनेट दे सकते हैं, जबकि सबका IP एड्रेस लोकल लेवल पे अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे संभव है? तो इस कॉन्सेप्ट का VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, मैं अपने LTTC के बारे में अगर बात करूं, LTTC गाजियाबाद में अलग अलग डिपार्टमेंट है, मोबाइल डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, ट्रांसमिशन, आपका NetFM, अलग अलग एडमिन, जो अलग अलग सेक्शन है, ऐसे आपके कॉलेज में भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, एडमिन, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि जब हम लोग इंटरनेट देते थे तो एक राउटर हमने अपने यहाँ लगाया और ISP से हमने जोड़ दिया। अब लोकल लेवल पे इंचार्ज हो गया मैं, और आपको ISP से केवल एक दो या तीन IP जो भी आप पेमेंट करते हैं, क्योंकि हम इतने सारे, अगर आपके कॉलेज में 1000 लोग हैं तो 1000 IP हम परचेज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, और ना ही अवेलेबल है कि हम इतने IP दिए जा सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 10, 20, 22 एक पूल ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। अगर बहुत ज़्यादा पेमेंट खर्च करेंगे तो भी आपको मुश्किल से 10 से 15 IP मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया, क्योंकि हम अगर ऐसे ही बांटने लगेंगे तो हम भी लोग परेशान। मान लीजिए पैसा है भी, तो भी उसके बावजूद भी हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा IP एड्रेस किसी भी कैंपस को या किसी भी एरिया को नहीं देते हैं। नहीं तो अगर ऐसा हमने किया तो पूरी संभव नहीं है कि सभी को हम लोग IP दे पाए। तो आपको अभी मैं मान लेता हूँ समझने के लिए, ताकि आसानी समझ में आ जाए। LTTC की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास कुल 4 IP हैं। 2 IP में LTTC कैंपस से रिलेटेड जो भी लैब हैं, ऑफिसेज हैं, जो भी गेस्ट आते हैं, हॉस्टल है, उनके लिए यूज़ करता हूँ, और जो 2 IP है मेरा अलग, जो यहाँ पे रेजिडेंशियल लोग रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और भी जो स्टॉप हैं जो रेजिडेंस से रिलेटेड है, उनको हम लोग बांट रखा है। ठीक है, तो इन सिर्फ 4 IP से पूरे कैंपस में कभी करीब 1200-1300 के आसपास रेगुलर संख्या रहती है, तो सभी को इंटरनेट देना है, लेकिन IP मेरे पास 4 है।
ये कैसे संभव हुआ, ये वी लाइन से संभव हुआ, जो हम अभी प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। तो वी लाइन के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं ऐसा करता हूँ, पहले रफ आइडिया देता हूँ, फिर मैं सीधा प्रैक्टिकल पे जाऊँगा। आपको ध्यान होगा कि हमने एक राउटर यहाँ पे कस्टमर एज राउटर लगाया हमने, और ये राउटर डेफिनेटली ये है हमारा कस्टमर एज राउटर, ठीक है। ये राउटर हमारा डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं ISP से आता है, यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे हम एज ए अपने कॉलेज के लिए कैंपस के लिए जो इंटरनेट लेंगे कुछ स्पीड में लेते हैं। सबसे पहली बात, हम बैंडविड्थ परचेज करते हैं, नंबर वन। दूसरी बात, कुछ लिमिटेड IP होती है, सपोज करो कि आपने केवल एक IP परचेज किया। अब कैंपस के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एक मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक मान लीजिए HR डिपार्टमेंट है, एक मान लीजिए आपका मोबाइल डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका अलग अलग डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है सारा, एक आपको सेल्फ डिपार्टमेंट है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से डिपार्टमेंट का सब यूनिट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एज ए नेटवर्क एम्यूटेशन के तौर पे बैठा दिया गया, और मेरे सामने पहला चैलेंज आ गया कि मेरे पास तो केवल एक ही IP है, और यहाँ पे इसमें न जाने कितने लोग जुड़ेंगे, 100, 50, 200, 300, 400, इन सबको इंटरनेट देना है, ठीक है। तो पहला चैलेंज है कि मुझे सभी के लिए IP के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले मैं तो VLAN कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँ कि सभी के लिए IP पूल अलग हो, यहाँ पे इसका IP पूल अलग हो, इसका IP पूल अलग हो, और वो IP हम परचेज ना करें, क्योंकि हमें परचेज करने के लिए केवल एक ही मिला आपको, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल IP या पब्लिक IP, जो सारी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करोगे वर्ल्ड में तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन लोकल लेवल पे अगर मुझे सभी के वो देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक IP पूल आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी मर्जी आए, हालांकि जब IP को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो ये बोला गया क्लास ए में एक IP पूल होगा, 10 वाली सीरीज होगा, वो किसी भी पब्लिक को बांटा नहीं जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, एक तरह से सेल्फ में नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा, उसको कहीं भी हम यूज नहीं करेंगे। जो भी यूज करेंगे लोकल लेवल पे, अगर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। क्लास बी में भी इसी तरह से करा, 127 वाली सीरीज, और क्लास सी में 192 सीरीज, 192.168 इस तरह की जो सीरीज थे उन्होंने क्लास सी के लिए कर दिया, ठीक है। ये शुरू के तीन ही बेसिकली मोर IP जब बांटा है उसमें उन्होंने प्लान किया था, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे छोटे छोटे मैं क्या करूँगा, ये पूरा एरिया जैसा कि मैंने डेफिनेशन डिफाइन किया था कि राउट कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट यहाँ से यहाँ तक जितना भी एक पूरा का पूरा एक पोर्ट क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा, लोकल एरिया कहलाएगा, जितनी भी दूरी या डिस्टेंस इज नॉट मैटर। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे यहाँ बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अब मैं एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट को भी अपना एक लाइन खुद ही बनाऊंगा। मैं कहूँगा अकाउंट के लोग अकाउंट लाइन कहलाएगा, HR वाले HR लाइन कहलाएंगे, मोबाइल वाले मोबाइल कहलाएंगे, सेल्स वाले सेल्स लाइन कहलाएंगे, ठीक है। यानी आपके कैंपस के अंदर एक लाइन हो गया, क्योंकि एक मेन पब्लिक है, लेकिन कैंपस के अंदर मैं अपने लेवल पे छोटा छोटा ग्रुप बनाऊंगा और अपने हिसाब से उनको IP दूंगा, और वो IP मुझे परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो IP मैं अपने हिसाब से कोई भी IP दे सकता हूँ, दुनिया का कोई बाउंडेड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हैं तो आप कोई बाउंडेड नहीं है, फिर भी आपको लगता है कहीं वीक या कमजोरी लगती है कि प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं टेक्निकली कोई इश्यू आ जाए, उन चीज़ों से अगर बचना है तो फिर क्लास ABC जब अमेरिका ने इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उन्होंने कहा था क्लास ए में एक पूल होगा 10 की सीरीज, क्लास बी में एक पूल होगा 127 वाली, और क्लास सी में होगा 192 वाली, ये वाली सीरीज के जो भी IP है वो हम बांटेंगे नहीं, यानी वो कहीं मिलेगा नहीं। तो कुछ लोग इसी को जनरली यूज करते हैं, और जब भी आप मार्केट में Wi-Fi खरीदें या मोबाइल से भी किसी को लोकल हॉटस्पॉट बनाएं तो बाई डिफॉल्ट इन्हीं तीनों में से IP आपको ज़्यादातर मिलेंगे। आपके घर में जब भी फोन जोड़ोगे, अगर आप चेक करोगे व्हाट इज माई IP लोकल लेवल, अगर मोबाइल फोन के अंदर जाके चेक करोगे, अगर ग्लोबली चेक करोगे तो अलग IP आएगी, ग्लोबली IP तो ये वाली IP होगी जो आपने परचेज किया, लेकिन लोकल लेवल पे हम अलग अलग IP दे रहे हैं। हो सकता है कि 192 वाला मैंने यहाँ दिया और सेम 192 वाला यहाँ भी हो सकता है, एक ही जैसा पॉसिबल हो सकता है, यानी दो अलग अलग लाइन के 192 में, ठीक है। अभी हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं इसको पहले प्रैक्टिकल बनाता हूँ, थोड़ा और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगी। सीधा मैं पैकेट प्रेशर पे जाता हूँ, यस, पैकेट प्रेशर मैंने फ्रेज ओपन किया, मैं अपने कैंपस को VLAN बनाना चाहता हूँ, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन के अंदर छोटे छोटे लैन, वास्तव में ओवरऑल एक ही लैन था, लेकिन मैं अपने लैन के अंदर छोटे छोटे लैन बना रहा हूँ, उसे VLAN कहूँगा,
और अगर नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो VLAN कहलाऊंगा। अगर मैं इसी चीज को सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मैं इसको VPN कह देता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN एक बहुत ही पॉपुलर नाम है। VLAN हो गया नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बड़े कैंपस का होगा तो VLAN ही बनते हैं। VPN क्या होता है, सॉफ्टवेयर मैनर में आप अपने हिसाब से टेम्पररी बेसिस पर एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। दोनों लगभग एक जैसे हैं, एक है सिंपली नेटवर्क बेस्ड, दूसरा है सॉफ्टवेयर बेस्ड। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि लोकल लेवल पे हम अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक राउटर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी यही सामुलेटर है, तो मैं इसमें इससे नीचे वाले राउटर मेरे किसी काम के नहीं है। मैं एक राउटर ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे स्विच लगाने पड़ेंगे, एक स्विच से दूसरा स्विच हो सकता है, और इसमें आप कुछ कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे। मैं जॉब एड को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने वहाँ का जॉब एड जो मैंने शेयर किया है उसमें मैंने दो डिपार्टमेंट बनाए, अकाउंट और सेल्स, ठीक है। तो मैंने कुछ वर्कर जो हैं अकाउंट से जुड़े हैं मैंने उनसे यहाँ रख देता हूँ, कुछ हैं हमारे सेल्स से जुड़े हैं। अब जरूरी नहीं है कि अकाउंट सेल्स वाले कैंपस में कहीं भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, हो सकता है अकाउंट वाला इस बिल्डिंग बैठा हो सेम टाइम में किसी और जाके बिल्डिंग में बैठा हो, तो उसका आपके हाथ में, लेकिन हाँ कैंपस के अंदर है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप किसी भी लेवल पे डिफाइन कर सकते हो। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, कुछ पर कंप्यूटर अकाउंट का ले रहा हूँ, कुछ कंप्यूटर में सेल्स का ले रहा हूँ। अगेन सेम दूसरे साइड में भी, दूसरे स्विच से भी मैं दो कंप्यूटर अकाउंट से दो कंप्यूटर में सेल्स का ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो राउटर है कस्टमर एड से जो मेन राउटर जुड़ेंगे, मेन स्विच से जुड़ेंगे तो ये मेन स्विच कहना जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ मेन स्विच या कोर स्विच। कोर स्विच का मतलब है जो मेन राउटर से जुड़ेगा, बाकी सभी स्विच इस राउटर से जोड़ दें या एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे से तीसरे राउटर, चौथे राउटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन स्विच को, राउटर को यहाँ जोड़ेंगे। डेफिनेटली मुझे केबल की जरूरत पड़ेगी, मैं स्विच को लिया, कोई भी दोनों पोर्ट खाली हैं तो कोई भी आप जोड़ सकते हो। अभी मैंने 01 से 01 जोड़ देता हूँ, बाकी यहाँ से आपका आगे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो आप समझ ही रहे हैं, आपका ISP से आएगा वो तो बाहर की बात होगी। हम जो VLAN की बात करें वो हमारे कैंपस के अंदर की बात होगी, यहाँ से अंदर से। अब यहाँ से अभी तक, अभी मैं जितने भी क्रिटिकल कराया उसमें मैंने कहा केबल कहीं भी लगा दी, लेकिन अब मैं प्लान तरीके से करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ही IP मिला बाहर, जब मैं ISP गया उसने एक ही IP दिया, कोई भी हो सकता है, एक IP मैं लिख लेता हूँ ग्लोबल IP 117.254.16.3/24 ले लेता हूँ, सपोज करिए। अब लोकल में अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले मैंने केबल आप कहीं भी लगा देते थे, लेकिन अब यहाँ पे मुझे चूंकि प्लान तरीके से करना है तो मुझे पहली बात कि कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं या कितनी कैटेगरी बनानी है या कितनी ग्रुप बनाने हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, इस बात के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्रीडम है। आप कैंपस में क्या प्लानिंग करते हो इसके लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति का, बाहरी ISP का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जैसे आप इंटरनेट देंगे यहाँ पे, जो भी इंजीनियर है या नेटवर्क मैनेजर बनाएंगे वो पूरे कैंपस के इंटरनेट के लिए एक तरह का ISP कहलाएगा, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि जो लोग इंटरनेट कर रहे हैं उसको पूरा अथॉरिटाइजेशन होता है, उसको मॉनिटरिंग कर सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसके एक तरीका, उसका एक रूल रेगुलेशन भी उनको मालूम होता है, जो भी पोस्ट होते हैं उनको पता होता है कि क्या क्या रूल रेगुलेशन है, किसी का प्राइवेसी पे हाथ नहीं डालना है, लेकिन ही डू एवरीथिंग ओपन। लेकिन प्लानिंग इसीलिए वो अपने हिसाब से जो भी ईजी मैनर में है वो प्लान कर सकता है। अगर मैं LTTC के बारे में बात करूँ तो मैं LTTC में क्या होता है कि डेफिनेटली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी ऑडिटिंग बहुत होती है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग भी होगी, नेटवर्क ऑडिटिंग भी होगी। तो हमारे अकाउंट वाले साल भर हर 3 महीने में 6 महीने में पहले इंटरनल ऑडिट होती है और फिर एक्सटर्नल भी ऑडिट होती है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि अपने ही लोग होते हैं, अपने ही कहीं डिपार्टमेंट के किसी और जगह से आते हैं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एक्सटर्नल ऑडिट होता है, सपोज करो कोई सेवी वाला आ गया, आपका कोई विजिलेंस सेल से हमारे डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के वहाँ से आ गया, तो आते ही सबसे पहले मेरे को कहता है कि सबसे पहले जब उसको बहुत स्ट्रिक होता है, साल में एक बार या दो साल में एक बार वो होता है स्ट्रिक वाली, आते ही सबसे पहले क्या कहता है कि आपके कैंपस में ना जितने भी लोग अकाउंट वाले पर्सन थे उनका इंटरनेट ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, सीधा सीधा बोलता है। अब मैं अगर पहले से प्लानिंग करके ना रखूं कि मेरे
एलटीटीसी कैंपस में कौन से लोग अकाउंट वाले थे, वो पहले से मैं अगर प्लानिंग ना करूं तो डेफिनेटली मेरे लिए बड़ा टफ जॉब था नेट में। लेकिन मैंने उसको पहले से ही ऐसा वीलैन बनाया कि मैंने पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। जब आता है सिर्फ एक कमांड मारता हूँ, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट आइसोलेट हो जाता है, कट जाता है और अलग हो जाता है। फिर जैसे जाते हैं एक कमांड मारता हूँ, पूरा इंटरनेट उनका रिस्टोर हो जाता है। तो ये मैंने पहले से प्लान कर रखा, अगर इस चीज़ को मैं प्लानिंग ना करूँ, ठीक है। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर मैंने कॉलेज देखे और आपके एलटीटीसी में ही एक दूसरा यूनिट है, नेट एफएम हमारा एक दूसरी यूनिट है, तो उसमें हमने उसमें जो कि अकाउंट वाले वो सारे अकाउंट के ही थे, जो अकाउंट की ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसमें कोई टेक्निकल व्यक्ति केवल इंटरनेट चलाने के लिए था, लेकिन वो केवल टेम्प्रोरी बेसिस पर, उसने इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं की हुई है। तो मुझे बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि अभी वो हैदराबाद में था और यहाँ शिफ्ट हुआ, 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले ही मुझे बोला गया कि उसकी पूरी ऑडिटिंग होनी है। तो मैं बड़ा हैरान था, मुझे फर्स्ट टाइम दिया गया करने के लिए, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। वहाँ सब किया हुआ, फायरवॉल भी लगाया, ट्रिपल ए भी लगाया, लेकिन इस तरह का विलेन कॉन्सेप्ट वहाँ पर उन्होंने नहीं लगाया, जिसकी वजह से अब मुझे जब नेट बंद करना पड़ा तो पूरे के पूरे कैंपस का ही बंद करना पड़ा है। ये बड़ा मुश्किल काम हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें का एडवांटेज मिलता है वीलैन करने पे। तो वीलैन में मैं अभी पहले मैं क्या कर रहा था कि आपको जब लास्ट सेशन जब भी हम लोगों ने किया कि केवल स्विच में आप कहीं भी लगा दो, कोई बाउंड्री नहीं है, अभी भी आप लगा देते हैं, घर में भी कहीं भी जाके केवल कहीं लगा देते हैं। लेकिन अब मैं प्लानिंग करूंगा, प्लानिंग ये करूंगा कि मेरे पास एक स्विच है, अब इस स्विच से सारे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अभी मेन स्विच तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जोड़ना ही पड़ेगा, मेन राउट आपका मेन रूट हो गया। अब लोकल लेवल पे अब मैंने सारे कैंपस में आपने सपोज करो 24 स्विच का वो लगा रखा है, सारे कैंपस में 24 स्विच का वो, जितने भी स्विच हैं सब 24 पोर्ट है, 24 कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब मेरा दिमाग काम करेगा, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा ये स्विच जो है, इस स्विच को चूंकि मैं यहाँ पे जो अभी वीलैन बनाया है, यहाँ पे मैंने केवल दो डिपार्टमेंट जॉब एड में दिखा रखा है, एक अकाउंट और एक सेल्स। तो मैं यहाँ पे इस स्विच को दो पार्ट में तोड़ूंगा, स्विच के एक पोल तो जो राउटर से जुड़ेगा, ये तो हो गया इसका मेन लाइन, जैसा कि अभी आप इसके देख रहे हैं, दूसरा इस स्विच से दूसरा स्विच जुड़े जाएंगे तो ये भी इसका मेन लाइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेन लाइन होगी जिसपे कंप्यूटर ना जोड़े जाए, जिसपे कंप्यूटर ना जोड़े जाए, ऐसे स्विच को जोड़ने के लिए मैं उस लाइन को ट्रंक लाइन बोलूंगा, इसको मैं ट्रंक लाइन बोलूंगा। तो यहाँ पे जो आपका स्विच है इसका 02, अब यहाँ पे स्विच से स्विच जोड़ना है तो आपको याद होगा मैंने गलत केबल ले लिया, जब डिवाइसेस सेम होंगी तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं क्रॉस ओवर केबल लेता हूँ, 02 से मैंने 02 में लगा दी, ठीक है ना। हेलो, हमारे इस स्विच में जो मेन लाइन जो जोड़ना है वो तो मैंने राउटर से एक स्विच जोड़ दिया, और एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आप ऐसे जोड़ सकते हो। अगर स्विच सेम है तो क्रॉस ओवर केबल ऑलरेडी। अब हमारे पास जो टोटल स्विच है, मैंने यहाँ पे 24 पोर्ट का स्विच लगाया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जो पोर्ट नंबर 1 था वो हमने राउटर से जोड़ दिया, पोर्ट नंबर 2 मैंने जोड़ दिया। अब हमारे पास जो बचे वो हमारे पास टोटल बचे 3 से लेके 24 तक। तो मैं यहाँ पे प्लानिंग करूँगा, मेरे पास दो डिपार्टमेंट हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट, एक तो मैं अकाउंट डिपार्टमेंट की बात कर देते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट में हम फ्री अब डिफाइन करेंगे जो पोर्ट नंबर है 3 से लेके 10 तक, 11 तक जो है वो अकाउंट को रिजर्व किया जाए। अब मैं प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ, पहले क्या था कि स्विच में आप कहीं भी लगा दो, लेकिन अब मैं वीलैन बनाने जा रहा हूँ। वीलैन का मतलब कि लोकल लेवल पे मैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। तो ये कहाँ होगा, जो भी वीलैन कॉन्सेप्ट बनेगा वो सारा का सारा स्विच पे बनेगा, पहला पॉइंट तो आप हमेशा माइंड में रखें कि लोकल जो वीलैन है, लोकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो आप स्विच लगाएंगे उसके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये जो स्विच हमारे हैं, इस स्विच में अगर आपके पास में 24 पोर्ट है तो जो पोर्ट रेगुलर लाइन के लिए यूज है उनको माइनस कर दीजिए, जैसे कि राउटर से स्विच को जोड़ना, इस स्विच से दूसरा स्विच जोड़ना। अब हमारे पास जो पोर्ट बचे उसमें से अपने हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो, जैसा कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर पोर्ट नंबर 3 में कोई कंप्यूटर या लैपटॉप लगाया जाए तो पक्का वो अकाउंट का ही होना चाहिए इंश्योर। नंबर 2, आप कोई भी एरिया अगर डिफाइन करोगे, ठीक
ठीक है, तो इसको बोलूंगा VLAN अकाउंट, ये तो मेरा और आपके समझने के लिए होगा, लेकिन कंप्यूटर या जो भी डिवाइसेज होती हैं उनको अगर समझना हो तो मैं VLAN 1 से लेके 20 आपका जो भी स्विच होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन डेट इन जो डिजिट होती है वो क्या हो सकता है। हम लोग परीक्षाएं लेते हैं, जैसे मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो मेरी पहचान नाम से कहीं ज़्यादा मेरे एम्प्लॉयमेंट नंबर से होती है। मेरा जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो मेरी, अगर मेरी बारे में कोई भी इंक्वायरी होगी या कोई भी चीज़ वर्क या कोई भी असाइनमेंट दिया जाएगा मेरे 4 नंबर से। आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, आपकी भी कोई ना कोई आईडी होगी, तो नाम सेकेंडरी आता है और कॉलेज में जो बच्चे पेपर देते हैं उनका रोल नंबर से ही परीक्षाएँ होती है। तो उसी तरह से हम भले VLAN अकाउंट बोलें VLAN सेल्फ बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी पहचान अगर हम सॉफ्टवेयर में या कमांड में या कहीं यूज करेंगे ऑन पेपर तो डेफिनेटली एक डिजिट नंबर डिफाइन किया जाएगा। और जो VLAN का जो डिजिट होता है वह 1 से लेके आपका टोटल 2999 डिपेंड करता है डिवाइसों को, 5099 भी हो सकता है, 4 डिजिट तक संभव है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 999 तक पॉसिबल है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा जब आप स्विच खरीदेंगे तो स्विच पे लिखा होता है कि इसमें आप कितने VLAN डिजिट यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर कोई पोर्ट नहीं है, अगर इसमें कोई VLAN नहीं है तो हम सारे पोर्ट को एक ही VLAN एक ही ग्रुप में मानते हैं। ठीक है, तो उन्हें VLAN 1 कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँ, सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँ और इस पर आपके सामने पॉपअप खुलेगा तो आप देखेंगे कि पोर्ट लगा 1 से लेके 24 रखा हुआ है। लिंक किया, लिंक का मतलब केबल लगा है या नहीं लगा उसका मतलब, आगे लिखा VLAN, सारे VLAN 1 है। VLAN 1 का मतलब कि एक ही ग्रुप है और एक ही ग्रुप को एक ही VLAN के अंदर, आप ये कह सकते हो स्विच में कोई VLAN नहीं है इसका मतलब सब VLAN 1 के अंदर आता है। तो इसको जैसे चाहे वैसे वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि अब जो मैं अकाउंट होगा उसकी पहचान होगी VLAN 10 या जो भी है। ठीक है ना, ये पोर्ट होगा और ये जो आप डिफाइन करने जा रहे अकाउंट जो भी जहाँ भी लोग अकाउंट के लिए जुड़ेंगे इनका एक IP पूल होगा। वह IP पूल जो आप खरीदोगे नहीं, आप अपनी मन से कोई भी IP पूल दुनिया का यहाँ पे रिजर्व कर सकते हो जो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। लोकल लेवल पे आप क्या कर रहे हो, वैलिड IP होना चाहिए, जो मैंने पहले दिन एक्सप्लेन किया था। वैलिड IP का मतलब होता है हर एक ब्लॉक 0 से स्टार्ट होगी और 255 तक जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे 10.0.0.0/8 एक नेटवर्क ID लिख देता हूँ जिससे आपके VLAN 10 के बारे में जानकारी हो जाए। मैंने क्या कहा, ये देखिए 4 चीजें लिखी, ये मैंने एक स्विच के अंदर जो भी VLAN बनेगा स्विच पे डिफाइंड होगा। पहली चीज है स्विच में जो भी मेरे पास पोर्ट अवेलेबल है उसके कुछ पोर्ट मैं पर्टिकुलर रिजर्व कर दूंगा अपने हिसाब से, इसके मुझे किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है। 3 से लेके 10 उनका नाम हमारे लिए अकाउंट होगा, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस है या जो भी सॉफ्टवेयर में है वो नाम से नहीं पहचाने जाते, डिजिट से आइडेंटिफिकेशन होती है। तो मैं VLAN 10 कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ और रजिस्टर में नोट कर लूंगा जो भी, और इनकी एक IP एड्रेस जिसे खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी IP एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो, यू आर कम्प्लीटली फ्री। ठीक है ना, मैंने प्लान कर दिया। दूसरा हमारे पास में सेल्स है, सेम चीज में यहाँ ये जो कंप्यूटर्स हैं, अब मैं पहले ऐसा करता हूँ जोड़ लेता हूँ, ये जो स्विच है केबल लिया अकाउंट के इस इंटरनेट पोर्ट से पोर्ट नंबर 3 से, और दूसरा हमने केबल लिया पोर्ट नंबर हम 10 में जोड़ देते हैं, पोर्ट नंबर 3 से। बीच में जितने भी कंप्यूटर लगाऊ मैंने पहला और लास्ट लिखा था कि आपको याद रहे, अगर मैं कोई अकाउंट वाला एक कंप्यूटर यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे वाईफाई लगाऊं वाईफाई के थ्रू भी जोड़ सकता हूँ, तो सारे के सारे अगर इस पोर्ट में जोड़े गए 3 से 10 तक तो वह पर्सन वह भी यूजर वो आपका अकाउंट का होगा। सेम मैनर में आपका जो सेल्फ वाला है इसके लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक अकाउंट इधर भी लिख देता हूँ सेम स्विच में, और इसमें हर एक स्विच पे जाके आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रहे। उसमें क्या था राउटर में, यानी कि जब हम कैंपस के अंदर जब हम प्लानिंग करेंगे तो मैं जितने भी स्विच हैं उस पर पहले मैं VLAN बना के फिर मैं स्विचों को लगाऊंगा, अगर लगा दिया तो भी आप कर सकते हो। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो मैं पूरे स्विच को ही अकाउंट के लिए डेडिकेटेड कर दूं, या स्विच के कुछ पार्ट को मैं अकाउंट के लिए और कुछ पार्ट को मैं सेल्स के लिए रिप्रेजेंट कर दूं, ये भी पॉसिबल है। और उन स्विचों के कलर कर दूं, रेड कलर का स्विच लगे हैं तो पूरे कैंपस में जो रेड कलर वाले स्विच हैं वो सारे के सारे अकाउंट के होंगे, येल्लो कलर का स्विच है वो सारे के सारे सेल्स वाले होंगे। तो आप अपने लोकल लेवल पे क्या प्लानिंग करते हो आप बिल्कुल आज़ाद हो, बस उसको एक तरीका ध्यान रखना कैसे करना चाहते हो। अब इसमें भी सेम, ये भी हमने इसको इनको इन दोनों कंप्यूटर को भी मैं अकाउंट का मान लेता हूँ,
और इस स्पीच में भी वही प्लानिंग, प्लानिंग जो भी करोगे सारे स्पीच में एक जैसे करना है आपको। आप जरा सा ऊपर नीचे करोगे आप ही परेशान हो जाओगे, कोई दूसरा इंजीनियर नहीं आने वाला वहाँ ठीक करने के लिए। तो मैंने प्लान कर दिया भाई जितने भी मेरे कैंपस में 50-100 जो भी स्विच लगेंगे सभी का 3 नंबर से लेके 10 नंबर तक आपका अकाउंट होगा, और 11 से लेके 20 तक का मैं सेल्फ मान लेता हूँ। अभी मैंने एक काम करके उसको भी जोड़ देते हैं, क्लिक करते हैं 3 नंबर से लेकर और मैं 10 नंबर पे लगा देता हूँ 10 नंबर पे। ये तो हो गया अकाउंट की प्लानिंग होगी। ये नीचे वाले को मैं सेल्फ मान लेता हूँ, ये दोनों सेल्फ वाले हैं ठीक है, इनकी प्लानिंग कर देते हैं। इसको यहाँ लाते हैं, इसको मैं लिखता हूँ ये पोर्ट अकाउंट ना होके सेल्स कर देता हूँ। इसकी पोर्ट मैं आपका 11 से लेके 20 तक, 4 को छोड़ दीजिए, 21, 22, 23, 24 फ्री रहने दीजिए ठीक है। और इसका जो बिलैन है इसका नाम हम सेल्फ रख देंगे, और इसको बिलैन 20 कर देते हैं क्योंकि 10 तो ऑलरेडी डिफाइंड होगा अकाउंट के लिए, और इसकी आई पी जो है आपका 20 कर देते हैं ठीक है। सेम इधर के लिए भी, दोनों के लिए मैं कर देता हूँ सेम। हम केबल उठाएंगे बिना देर किए, अब इसमें जो केबल लगाएंगे क्योंकि ये दोनों सेल्स के हैं तो इनमें नहीं लगाना, ये सारे के सारे हमारा अकाउंट से हो गए, तो मुझे 11 नंबर पे लगा देता हूँ, और 11, 12, 13, 14, 15 जो भी है आप उसमें लगा सकते हैं और उसमें 20 पे लगा सकते हैं ठीक है। कुछ गलत लगा दिया लगता है, दोबारा से लें केबल लिया 20 पे 20 जाके राइट। सेम स्पीच में लगाएं 11 नंबर और देन अगेन 20। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा अभी तक के लिए, तो पहले नंबर से नहीं लगाना क्योंकि पहले नंबर हमारा राइट। अब हमारा ये स्पीच हो गया, ये तो मेन आईपी हो गया, ये जो आईपी आपने प्लानिंग किया सेल्स के लिए अकाउंट के लिए किया और ये हमने 20 के लिए किया ठीक है। तो सबसे पहला अभी मैंने यहाँ पे डीएसटीपी नहीं डाल रहा हूँ, डीएसटीपी का मेरा एक सेशन अलग होगा, लास्ट सेशन होगा मल्टीपल डीएसटीपी का, कि वीलैन में अगर कोई अकाउंट का बंदा है तो उसके अकाउंट वाला आईपी मिलना चाहिए, जो सेल्स वाला बंदा है उसको सेल्स की आईपी मिलना चाहिए। तो मेरा लास्ट सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, क्योंकि एक ही कैंपस के अंदर कई अलग अलग ग्रुप हो गए ना, तो सबको अलग अलग आईपी मिले ये भी एक चैलेंज है, ये भी कैसे होगा इसको मल्टीपल डीएसटीपी वीलैन कॉन्सेप्ट के अंदर बनाया जाता है, वो हमारा एक सेशन है, वो मैं आपको आपके सिलेबस में मैंने डिफाइन कवर अप किया हुआ तो मैं उसको जरूर बताऊंगा ठीक है। अभी फिलहाल कुछ है नहीं, तो अभी डीएसटीपी नहीं है, तो अभी मैं मैनुअली डाल देता हूँ। तो मैं क्लिक किया और डेस्कटॉप पे जाता हूँ, अभी मैनुअली डाल देता हूँ क्योंकि ये जो कंप्यूटर है अकाउंट का है, तो इसकी आई पी 10.0.0.1 को कोई भी लाइन बनाओगे, पैसा भी लाइन बनाओगे। अब क्या कर, हमने क्या पूरा लाइन तो था हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा लाइन था ये वाला 117 वाले सीरीज का, लेकिन मैंने अपने लाइन के अंदर छोटे छोटे लाइन बनाए ठीक है। तो हर एक लाइन चाहे कितना बड़ा भी लाइन हो हर एक का गेटवे जरूर डिफाइंड होगा, तो ऐसे ये जो बी लाइन बना रहे वर्चुअल लाइन अपने लाइन के अंदर एक लाइन बना रहे, तो इनका भी कहीं ना कहीं गेटवे होगा, ऐसा नहीं कि इनमें भी कहीं भी कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबका गेटवे होगा, वर्चुअल गेटवे इनका भी होगा ठीक है। तो हम इसमें जो आईपी यहाँ डाल रहे हैं सब में से मैं 1 को गेटवे मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 से शुरू कर देता हूँ और 1 को गेटवे मान, वो कैसे गेटवे डिफाइन किया जाएगा वो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। दूसरे वाले अकाउंट में गया और इसको मैं 3 मान लेता हूँ, और इधर वाला अकाउंट है ये वाला हमारा अकाउंट है, इसको क्लिक करो डेस्कटॉप पे जाओ और ये प्लान कर देता हूँ ठीक है ना। इसके बाद हमारा यहाँ पे 4 ठीक है गेटवे, फिर हमारे इसके 5 ठीक है ओके कर देता हूँ। ऐसे ही नीचे के जो दोनों हैं, ये जो नीचे के दोनों हैं आपके ये सेल्स के हैं, तो सेल्स में भी इसी तरह से डिफाइन कर देते हैं। अभी क्योंकि कोई आईपी नहीं है तो स्टैटिक डाल देते हैं, यहाँ पे 20 का हमने माना है तो 20 से शुरू कर लेते हैं, 1 को गेटवे दे देते हैं थ्री ओके, एंड आपका ये 66 आपका हो जाएगा 456 जो भी रखना चाहें
और जो आपका PG7 है इसको भी हम IT दे देते हैं। अभी मैंने कोई मल्टीपल DSCP यहाँ नहीं बनाया है, 10 कर देते हैं। अब इन कंप्यूटर्स में IP दे दिया मैंने, सारे 3 different IP दे दिया, राइट, ठीक है। अब अगला काम, सबसे पहला काम जो राउटर है, राउटर का ये जो गेट है FA0, जो हमने यहाँ पे IP डिफाइन किया हुआ है इस पोर्ट के लिए जो मुझे खरीदने को मिला, इसको पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ। क्लिक ऑन द राउटर, आपको याद होगा कैसे डालना है, गो टू CLI, यस या नो पूछ रहा, फर्स्ट टाइम तो नो करेंगे, इनेबल कॉन्फी और INT जो हमारा FA0/1 है, हमारा ये जो पोर्ट है, अब इस पोर्ट पे जो IP हम टाइप करेंगे 117. ये आप लिखा जाएगा IP@, आपको याद आ रहा होगा 117.254.16.3, ये तो मेन IP है तो डालना ही पड़ेगा, /24 है, जो भी IP डालेंगे पावर सप्लाई ऑन करेंगे और जो भी काम करेंगे डिराइव करेंगे और एग्जिट करेंगे, ठीक है। ये तो हमने प्री डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ माउस ले जाएंगे तो हमारा ये राउटर का एक मेन पोर्ट तैयार हो गया जो हमने IP बाहर की दुनिया से लिया था, ठीक है। अब हमारी बात होगी इंटरनली जो बात होगी, अब इसमें ये जो स्विच है, अब इनको अभी सब VLAN 1 है, अगली बार मैं माउस ले जाऊँ तो जो मैंने प्लानिंग किया है कि पोर्ट नंबर आपका 3 से लेकर 10 तक अकाउंट हो जाए और 11 से लेकर 20 हो जाए, तो कैसे करना है, तो मैं सबसे पहले स्विच को ले लेता हूँ, क्लिक यहाँ करेंगे, स्विच में भी कंसोल केबल लगा के हम सेम काम करते हैं। ये हमारा स्विच है, देखने में आप देखेंगे तो ये स्विच हमारा इस तरह से दिखाई देगा, लुक लाइक, ठीक है ना, 2950 का स्विच है। तो इसको भी मैं CLI मोड में जाऊंगा और इसमें भी सेम इनेबल, सेम चीज होती है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे स्विच के अंदर, ठीक है। अब मुझे VLAN बनाना है, तो VLAN बनाना बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड होती है बनाने से पहले मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डू शो कमांड है VLAN, इसमें कौन कौन से VLAN है मैं वो देखना चाहूँगा। ये कमांड अगर मैंने इसको फायर किया, ये मैंने कमांड फायर किया डू शो VLAN, तो उसके जगह रिजल्ट में आपका ये आपके स्क्रीन पे सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे VLAN 1 एक ही VLAN है जिसको डिफॉल्ट यानी जो हमने खरीदा था उतना ही था और सारे के सारे 24 पोर्ट इसके अंदर है। इस VLAN को सपोर्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर VLAN भी अवेलेबल हैं जिन्हें हम FDTI डिफॉल्ट बोलते हैं, टोकन रिंग बोलते हैं, FDI नेट, क्योंकि इसको चलाने के लिए मुझे इन सारे वर्चुअल जो VLAN है इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो बाई डिफॉल्ट ये तो रहेंगे ही रहेंगे आपके, ठीक है ना। और इसके बारे में जो भी और कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो आप देख पा रहे हैं, ये सब आपको सॉफ्टवेयर में जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो भी ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूँ तो आपके पास एक VLAN है जिसको बाई डिफॉल्ट और सारे के सारे 24 पोर्ट। अब हमने जो प्लानिंग किया है तो यहाँ पर VLAN 10 भी आना चाहिए और VLAN 20 भी आना चाहिए, 10 के आगे अकाउंट लिखा आना चाहिए और 20 के आगे सेल्फ, और पोर्ट नंबर जो 3 से लेकर 10 तक हैं वो हमारे अकाउंट में शो हो, अगर 11 से लेकर फर्दर हो, ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इस काम को कैसे करना है, अब वापस आते हैं यहाँ पे तो दिखाने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन मोड में है तो पहला VLAN बनाएं, तो VLAN बनाना बहुत आसान है, VLAN जो बनाना हो तो VLAN लिखेंगे, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 जो भी आप कहना चाहें वो सारे लिख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे इस स्विच के अंदर ये संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी हेल्प मार्क डालेंगे, तो ये जो मैंने स्विच लगाया है इसमें 1 से लेके 1005 तक का डिजिट लिखा जा सकता है। ये संख्या आपको कैसे पता चलेगी, जब आप स्विच खरीदोगे हर स्विच का अलग अलग होता है और 4 डिजिट में होता है, मैंने पहले बोला 999 तक पॉसिबल है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 100, अभी क्योंकि मैंने 10 डिफाइन किया और 10 लिखता हूँ और इंटर मार दिया, तो जैसे मैंने इंटर मारूंगा VLAN 10 बन जाएगा। इसका नाम रखेंगे तो और अच्छा है, नाम नहीं रखेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा, तो मैं लिखूंगा नेम, क्या रखना है इसका नेम, अकाउंट रखना है और डू राइट करके बाहर करना। बाय डिफॉल्ट स्विच में डू राइट ऑटोमेटिकली होता है, हमारा ये जो स्विच सिस्को का जो भी है। अगर अगेन मैं इस कमांड को फायर करूँ डू शो VLAN, ठीक है, जैसे मैं डू शो VLAN तो देखोगे आप यहाँ पे अकाउंट भी आया, पहले वाले में क्या था अकाउंट नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पे आ गया अकाउंट, ठीक है। अभी ये पोर्ट नंबर नहीं है वो हम बात करेंगे, तो मैं अब दिखाता हूँ कैसे होगा। अब मैं दोबारा बना देता हूँ, VLAN 20 बना देता हूँ, नेम सेल्फ डाल देता हूँ, ठीक है ना, डू राइट करेंगे, सेविंग करने की आदत जरूर रखें और एग्जिट कर दें, 2 VLAN बन गया। अब कौन सा पोर्ट किस VLAN में है कमांड डालना, INT अगर मैं लिखूं, अगर मैं INT FA
0/2 लिखूं, अगर मैं ये लिखता हूँ केवल आईएनटी स्पेस करके इंटरफेस एफ ए 0/2 लिखूं, तो मैं केवल इस पोर्ट पे जा पाऊंगा। लेकिन मुझे इस पोर्ट पे नहीं जाना है, मुझे तो एक साथ सारे पोर्ट पे जाना, 3 से लेकर 10। तो उसको पहले मैं बाहर आ जाता हूँ एग्जिट करके, आईएनटी रेंज, नहीं तो फिर मुझे 3 से लेकर 10 बार हर बार कमांड फायर करना पड़ेगा, और इतनी बार कमांड फायर करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो हमें अलग अलग उसमें जाना है, तो INT range या फिर 0/ आपका 3 से लेके कहाँ तक 10 तक रेंज डालोगे तब ले लेगा और इंटर मारो। तो अब यहाँ पे INT, अब जो भी कमांड मारूंगा दसों पर एक साथ अप्लीकेबल हो जाएगा। मैं स्विच को फायर कर रहा हूँ, हे स्विच 3 से 10 तक तुम अकाउंट के पर्सन हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, हे स्विच में एक्सेस करना है VLAN कौन 10 को, और इंटर मार दिया। ओके, स्विच पोर्ट, पोर्ट शब्द लिखना भूल गया हूँ, और VLAN भी स्पेलिंग भी गलत लिखा, दोबारा क्लियर लिखता हूँ। स्विच पोर्ट, टैब बटन यूज कर सकता हूँ तो भी सही आ जाएगा, स्विच पोर्ट एक्सेस, टाइप करना पड़ेगा लेनगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN आपको 10 कर देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग कहीं रॉन्ग हो रहा है, अच्छा ठीक है, स्विच लिख गया, ठीक है, दो राइट हमने ये बोला। अब पोर्ट नंबर ये देखिए ऑरेंज भी हो रहा, ग्रे भी हो रहा, अगर मैं माउस ले जाऊंगा तो आप देखना क्या हुआ। आपने देखा पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक अब VLAN 10 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑरेंज होगा, थोड़ी देर में आप ग्रीन हो जाएगा, आप देख पा रहे हो कि अब काम दूसरा, हम इसको एग्जिट करते हैं। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 11 से लेके 20 के बीच में, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 टू राइट, ठीक है। अब माउस ले जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे स्विच पोर्ट 20 हो गया। तो स्विच को VLAN कैसे बनाना, नेटवर्क लेवल पर हर एक स्विच में जाकर आपको इंडिविजुअली इन सारे चीजों को प्री डिफाइन करना पड़ेगा आप पर। और इस काम के लिए आजाद, आप चाहते कोई 2 पोर्टी स्विच के लिए हो, 2 पोर्टी के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो। नेटवर्क ऐसा, ये सारी चीजें रेगुलर प्रोसेस में होती हैं, जहाँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी इंजीनियर आप बनाए होंगे, जो भी तो रेगुलर इन कामों को प्रॉपर तरीके से करता है, ताकि वो कभी जरूरत लगती है तो किसी पोर्ट को इनसे रिमूव भी कर सकता है, लगा सकता है। क्योंकि आज आप घर बैठे ही आपका नेटवर्क मैसेज है तो दुनिया किसी भी कोने में बैठकर आप अपने कैंपस को मेंटेन और मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेम इधर के लिए करेंगे, तो अभी शाम को मैंने इसमें भी सेम क्लिक करिए, जो मैंने प्लानिंग किया रिपीट हो जाएगा आपका। CLI में जाएंगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, INT पहले VLAN बनाना पड़ेगा, VLAN 10 हर एक स्विच में करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नेम हम अकाउंट रख देते हैं, ठीक है ना, डू राइट करके एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद हम VLAN 20 बना देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सेल्स, ठीक है ना, डू राइट करके एग्जिट कर देते हैं। 2 बन गए। अब किस पोर्ट को बनाना है, तो INT रेंज या फिर 0/3 से लेके 10 तक, ठीक है ना, इसको मैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 के लिए ठीक है ना, डिराइव किया और बाहर आ गए। इसी तरह से हम जो आपका है 11 से लेके 20 तक, ठीक है ना, इसको हम बना देंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 और डिराइव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लोकल में। अगर आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो अकाउंट से अकाउंट का कंप्यूटर होगा, दिस इज कम्युनिकेट करेगा आपको,
सेल्स के सेल्स के जो होंगे ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अगर यहाँ पे भी देखें अभी ये भी ऑरेंज चल रहा है, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक करेंगे दे विल बी कम्युनिकेट। अगर इस अकाउंट से मैं इस अकाउंट के बारे में अगर बात करूँ, अब ये चलेगा नहीं, बताइए क्यों, इसका कारण बताइए, अकाउंट में भी बताता हूँ। इससे पहले देख लेते हैं आपस में कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपका कॉलेज है, कॉलेज का एक गेट है, एक मेन गेट है आपका, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको मालूम है कि इसी गेट से आना और जाना है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में एंट्री गेट अलग हो जाए, वीआईपी गेट अलग हो जाए, एग्जिट गेट अलग हो जाए, ठीक है, तब आपके और उन गेटों पे खाली आपको ये बता दिया जाए कि भैया देखो ये एक हमारे कॉलेज में तीन गेट हैं, वहाँ जाओगे तो एक एंट्री गेट होगा, एक एग्जिट गेट होगा, एक वीआईपी गेट होगा, ठीक है। तो अब कोई भी बाहरी पर्सन जब आएगा उसको ये तो मालूम है कि तीन गेट है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कौन सा गेट एंट्री गेट है, कौन सा एग्जिट गेट है, कौन सा वीआईपी गेट है, ठीक है। उसको तभी पता चलेगा अगर गेट पे कोई इस तरह का सिंबल बनाया जाए, इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाए, वरना वो कंफ्यूज रहेगा। तो सेम चीज यहाँ है, पहले हम जितने भी कम्युनिकेशन कर रहे थे उसमें एक ही गेटवे होता था राउटर का, तो ये भी यहीं जाते थे, सब यहीं से घूम घाम के आ जाते थे, सारे यहीं से चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमने पूरे बी लाइन के अंदर, पूरे लाइन के अंदर एक बी लाइन बना दिया, एक अलग बी लाइन बना दिया, एक अलग बना दिया, एक अलग बना दिया, तो अब सबका एक गेटवे भी होगा, तो अब सबके लिए अलग अलग हो। अब ये इसको जब तक इसको दूसरे के गेटों में एंट्री की परमिशन नहीं दोगे जा नहीं सकता सेल्स वाले के पास, ठीक है। तो सबसे पहली बात, और दूसरे स्विच में भी नहीं आ सकते, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, ये जो हमारा पोर्ट नंबर 01 है और जो 02 यानी ये जो रास्ता है ये किसी वी लाइन में नहीं आएगा। पहले क्या होता था, अगर हम स्विच के अंदर एक माउस ले जाए तो पहले हमारे पास में अगर आपको दिखा रहा था, उस केस में आप देख पाएंगे कि जो 1 से लेके 24 तक सब वी लाइन में था, सब एक ही बी लाइन में थे, तो एक गेटवे था, आसानी से चले गए। लेकिन अब हमारे पास देखा जाए तो जो बी लाइन की संख्या है 3 हो गई, 10 आपने बनाई, 20 आपने बनाई, बाय डिफॉल्ट 1 अपना सेपरेट हो गया। तो अब ये जो है, ये जो आपके 1 और जो पोर्ट नंबर 1 है और पोर्ट नंबर 2, ये किसी बी लाइन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक तरह का रास्ता यानी ट्रंक मोड, जिन्हें बोलते हैं ट्रंक लाइन बोलते हैं, ट्रंक लाइन में होते जब एक स्विच से दूसरे स्विच, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जाने वाले रास्ते को ट्रंक लाइन बोल देते हैं, तो उस केस में इन्हें इन्हें बी लाइन से बाहर करना पड़ेगा। तो मैं पी एन से बाहर करता हूँ, अरे एक स्विच में जाएंगे, इसमें पहले मैं एग्जिट कर देता हूँ इससे, अब आ जाए कॉन्फ़िगरेशन में, ये पोर्ट है INTFA0/1, ठीक है, ये हमारा वी लाइन से बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो वी लाइन 1 से बाहर करना, तो हमें लिखना पड़ेगा इसको कि तुम्हारा जो मोड है हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा जो मोड होगा स्विच पोर्ट मोड जो है ट्रंक बना देंगे, ठीक है ना, तुम्हारा मोड ट्रंक हो जाएगा। ट्रंक मोड का मतलब है कि जो आपका ये माउस, अगर आप यहाँ पे ले जाओगे, सॉरी स्विच के ऊपर ले जाओ, स्विच के ऊपर अगर माउस ले जाओगे तो देखना जो 01 है वो बी लाइन, किसी बी लाइन में नहीं आ गया और ट्रंक मोड बन चुका है, यानी एक रास्ता बन गया जहाँ से केवल सभी यूजर्स को आने और जाने का काम करेगा। दूसरा, मैं यहाँ से कमांड मैंने गलत टाइप कर दिया, कोई बात नहीं, तब तक मैं इस साइड का बना देता हूँ, दूसरे वाले स्विच में यहाँ पे 0, इन्हें दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, INTFA0/2, यहाँ पे तो एक ही पोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पोर्ट मोर ट्रंक, यानी मैं किसी भी उसमें नहीं रखना है, दो राइट राइट, ठीक है, इधर आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे INTFA0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया। अगर अब मैं माउस पे ले जाऊंगा, देखिए हमने प्लानिंग क्या किया, पहला जो दूसरा जो पोर्ट था इस स्विच का, उसको हमने ट्रंक मोड यानी वी लाइन से बाहर कर दिया, पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक हमने वी लाइन 10 बनाया, 11 से लेके 20 तक हमने बी लाइन 20 बनाया, बाकी जो नहीं बनाया बाय डिफॉल्ट वो बी लाइन 1 में रह गए,
इनका भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है। सेम चीज इधर के लिए भी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने केवल टू को बनाया, टू आ गया, बाकी मैं नहीं बना रहा, छोड़ दिया। ठीक है, अगर और भी एक स्पीच लगाते उसको वन नंबर में लगाते और वन को हम वो बना देते, एक ट्रंक मोड बना देते। ठीक है, तो आप कर सकते हो, जो भी पोर्ट खाली बचा उनको ट्रंक मोड बना सकते हो। अगर मैं आप कम्युनिकेट करूँ किस अकाउंट से लेके किस अकाउंट के बीच में, तो दे विल बी कम्युनिकेटेड। अगर मैं इस सेल्स से इस सेल्स का करूँ कम्युनिकेशन करें, तो पूरे कैंपस में जो एक डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कम्युनिकेट करेंगे। अगर मैं डिपार्टमेंट चेंज करूँ इससे लेके ये फेल होगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक अलग बी लाइन है और एक अलग एक लाइन है, देखा जाए दोनों अलग अलग लाइन हो गई, एक अकाउंट लाइन है और एक सेल्स लाइन है। अब दो अलग अलग जब लाइन हो जाए तो फिर क्या होता है, उन्हें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए फिर मुझे एक और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं IVR, मतलब VLAN। VLAN तो समझ में आ गया होगा, VLAN क्या है अपने, और इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपने कैंपस के अंदर एक राउटर लगाइए और उसके लोकल लेवल पे सारे नेटवर्क को जैसे मैंने बोला प्लानिंग कर दीजिए, इनकी कोई भी IP आप दे सकते हैं, कर लीजिए। जब ये सब चीज़ें हो जाए तब ISP के पास जाओ, फिर उनसे पैसे दो और आपका IP या जो भी लो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दो। और जो इम्प्लीमेंट होगा उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है IVR, दूसरा होता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। IVR का मतलब होता है इंटर VLAN राउटिंग, यानी आपने VLAN पहले ही बना दिया, उन्हें आपस में राउटिंग कम, क्योंकि हमें ये थोड़ी करना है कि अकाउंट और सेल्स को बंद करना है, नहीं, कम्युनिकेट करा के रखना है। और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर जो होता है ये होता है कि अब ये जो IP है बाहर की दुनिया, नहीं बाहर की दुनिया के अगर कोई चेक करेगा उसको ये IP दिखेगा, तो सब बाहर की दुनिया राउटर के इस पोर्ट से जाएंगे। तो लोकल जो भी आपका VLAN है और बाहर का जो नेटवर्क है उन बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए नेट कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, तब जाके ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन स्टेबलाइजमेंट होता है प्रॉपर तरीके से। अभी तक हमारा जो पिछले दो वीक का जो सेशन था उसके अंदर हमने एक सिंपल नेटवर्क व्यू बताया था उसके अंदर क्या था, लेकिन अब हमारा जो चैलेंज है कि अब कैंपस के अंदर इतने सारे लोग हैं वो तो कैसे जुड़ेंगे, क्या हर एक के लिए IP खरीदना, नहीं, IP तो आपको एक ही मिलेगा, दे भी नहीं सकता, ISP के बंदिशें हैं, पैसे दोगे तभी नहीं देगा वो, कहेगा भैया मेरे पास तो लिमिट है, मुझे 10 लोगों को चलाना है, तो लापी को थोड़ी ना चलाना, तो उस हिसाब से। अब मैं यहाँ पे आपको IVR बता देता हूँ, IVR कैसे होगा। उसके जब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे बीच में ये हमारा जो राउटर है वो आ जाता है, उसका रोल, राउटर इज द बॉस, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। तो सिंपली राउटर को मुझे परमिट करना पड़ेगा। अब मैं राउटर में कैसे परमिट करूंगा, अगर मैं राउटर पे माउस ले जाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 01 पोर्ट है वो आपका जो मेन पोर्ट है, मैंने IP डाल चुका हूँ उसका रेबल, लेकिन बाकी सबको भी अगर सेल्फ से अकाउंट में जाना है तो उसी राउटर को उसी पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, आप जैसे मैं अभी जहाँ से बैठ के क्लास ले रहा हूँ, इस रूम में एंट्री के लिए एक मेन गेट है, उसके बाद रूम में मेरा केबिन अलग है, मेरे जो दोस्त हैं उनकी केबिन अलग है, रूम तो एक ही है लेकिन उनको केबिन बना दिया है। कैसे बना, टेम्प्रोरी बेसिस, अगर कोई आता है बाहर से मुझसे मिलने तो लोग पूछते हैं आप कहाँ बैठते, तो मैं कहूँगा मेरा रूम नंबर 1204 है एकेडमिक बिल्डिंग में, लोग 1204 में आएंगे। अब जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर कम से कम 25 रूम बनेंगे। अब 25 रूम में वो बात अलग है कि नेचुरल है तो हम किसी से नाम पूछ के पहुँच जाते, लेकिन हर एक रूम का एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो कैसे किया गया, एक हमने शीशे का और एक लकड़ी की मदद से हमने सबके बीच में डिवाइडर बना दिया। ठीक है, यानी मेन एंट्री एक ही थी लेकिन सबको अलग अलग एक बैठने का स्थान मिल जाए और उसकी पहचान बनी रहे तो सबको सब डिवाइड कर दिया। उसी तरह से ये जितने भी हैं, जितने भी आप VLAN बनाएंगे, ये सब के सब राउटर पे जाएंगे और राउटर का मेन पोर्ट पे ही है, लेकिन उसका सब इंटरफेस बनाएंगे, जो इनमें जो आपने गेटवे डिफाइंड किया वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सब काम क्या होगा, राउटर पे, सभी राउटर पे क्लिक करते हैं और कैसे करेंगे, देखिए इनेबल कर दिया। अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा सर, थोड़ा सा हैंग हो गया, गलत सामान मार दिया, तो राउटर वैसे ही बिहेव करता है हमारा, जो रियल राउटर होते हैं वो भी किस तरह का बिहेव करते हैं। जितेंद्र सर,
VLAN का एक बेसिक आइडिया आपको आइडिया आ रहा है? हो गए राउटर स्टार्ट कर देते हैं। रियल में भी कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जब हमारा राउटर होता है किसी वजह से गलत कमांड या और किसी वजह से परेशानी हो जाती है, फिर वो दिक्कत करता है। जैसे मैंने अभी राउटर को स्टार्ट किया, अब मैं इनेबल करूँगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर। अब मैं इस राउटर के एक कुछ पर्टिकुलर पोर्ट को आईपी देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे दिया जाएगा, तो सबसे पहले सब अभी हमारा जो राउटर है उसका जो पोर्ट है 117 वाला वो 01, बाकी के लिए भी गेटवे ही बनेगा। तो लिखेंगे INTFA0/1, पोर्ट तो वही रहेगा, डॉट लगाएंगे। और डॉट लगाने के बाद जो भी VLAN आईडी है, हमने VLAN आईडी 10 किया है तो मैं यहाँ पे 10 लगा दूंगा। VLAN आईडी मारते ही यहाँ पे 10 बन जाएगा। अगर माउस ले जाऊंगा तो आप देखना यहाँ पे 01 के साथ 1.10 आ गया। तो ये जो आईडी है इसकी सब इंटरफेस का एक बन गया, जो इसके लिए आईपी डालना पड़ेगा। और अगर मैं इस पर डायरेक्ट आईपी ऐड लिख दूँ, ठीक है, 10.0.0.1 हमने प्लान किया है 2500, तो आईपी लेगा नहीं, कहेगा भैया आप VLAN दे रहे हो। पहले कसम खाइए कि लोकल लेवल पे जो इंटरनेट दे रहे हो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। एक कमांड उन्होंने दिया जो इस बात को हमें यहाँ रियलाइज कराता है कि यहाँ तक तो वो जिम्मेदार है, लेकिन इसके बाद अगर आप इंटरनेट दे रहे हो तो लोकली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कदम खाएंगे इनकैप्सुलेशन, एक तरीका कमांड के द्वारा इनकैप्सुलेट करने के लिए इनकैप्सुलेशन करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन 1Q स्टैंडर्ड के हिसाब से VLAN 10 और 10 के लिए 10 लिख देंगे, ठीक है ना। अब कहेगा ओके आप अब आप लोकल में आप जाने किसको इंटरनेट दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आईपी ऐड करूँगा 10.0.0.0 1 255.0.0.0.0, ठीक है ना। मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ और डू राइट कर देता हूँ और एग्जिट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे अब यहाँ पे जब माउस ले जाएंगे तो यहाँ 0.1.10 पे भी हमारे पास में आईपी आ गया। सेम मैनर में अगर हम VLAN जो आपका 20 है उसके लिए भी INTFA0/1.20 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको भी हम आईपी दे देते हैं, इसकी आईपी देंगे 20.1 के हिसाब से, ठीक है। और इसको भी दो राइट कर दीजिए, हो गया। अब हमारा क्या हुआ, अलग अलग आईपी देने के बाद भी अगर हम माउस ले जाएंगे तो देखिए मुझे कसम नहीं खाई, ओके इसमें भी हमने कसम नहीं खाई इसलिए मना कर दिया। इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन डॉट 1210 20 आईपी एड्रेस दे देते हैं 20 का डिवाइड कर, ठीक है। अब इनके अलग अलग आईपी हैं, लेकिन अगर माउस ले जाएंगे तो देखेंगे गेटवे भी यहाँ पे बन गए। मेन रास्ता वन ही था, अब मैं कम्युनिकेट करूंगा अकाउंट से, सेल्फ भी कम्युनिकेट करेगा आपका। ये थोड़ी देर में देखते हैं हो गया, इस अकाउंट से इस सेल्फ से करा के देखते हैं सक्सेसफुल हो गया। आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा रियल में होता तो क्या, मैंने प्लान कर दिया, जैसा मैं बोल रहा था कि कभी कभी हमारे पास में ऑडिटिंग वाले आते हैं। ऑडिटिंग वाले अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अगर आप बैठे हुए हैं तो कहते भैया मेरे को इस अकाउंट वाले को वो कर दो, इनका नेट काट दो और इतने भी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा इसके सब इंटरफेस पे जाकर मैं यही काम करूंगा। नो इनकैप्सुलेशन करते ही वो पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो इंटरनेट से आउट हो जाएगा, कनेक्शन सब कुछ होगा, लेकिन वो जबकि मैंने उस ग्रुप से बाहर करके उनको आईपी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस नेटवर्क से वो बाहर हो जाएगा, इंटरनेट वो नहीं कर पाएगा। तो यह है VLAN कॉन्सेप्ट नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क में क्या किया जाता है, लोकल लेवल पे हम अपने कैंपस को अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको VLAN करते हैं। ये काम हमने जो अगर राउटर के माध्यम से किया तो VLAN कहते हैं। अगर इसी काम को अगर मैं यहीं पे एक सर्वर लगाऊं, ठीक है ना, और जो सर्वर को ही मैं VPN काम करने के लिए दे दूं, VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क,
ठीक है, जो वीलैन का सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो सेम काम इसका भी हो सकता है। तो मैंने एलटीटीसी में दोनों ही करके देखे हैं। मैं आपको उस दूसरे वाले का भी, एक नेवरो कंपनी है चंडीगढ़ का, पहले टीसीएस से मैंने लिया था, अभी मैंने हाल फिलहाल में नेवरो से इसको टाई अप किया, क्योंकि हमें भी सीखना होता कुछ ना कुछ तो कौन सी कंपनी क्या करती है। तो मैंने नेवरो कंपनी से नॉर्मल फायरवॉल लेने के बजाय पूरा का पूरा मैंने एक पैकेज लिया, जिसमें मैं वीपीएन भी बना सकूँ, यूजर मैनेजमेंट भी कर सकूँ और सारे फायरवॉल का भी काम भी कर सकूँ, ट्रिपल ए भी कर सकूँ। तो उसका मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर पोर्शन आपको दिखाता हूँ। मैं अपने पीसी में जरूर बैठा हूँ, लेकिन मेरा वो जो सर्वर कंप्यूटर है उसकी आईडी मैं यहाँ पे डालूंगा 10. जो मेरा कंप्यूटर है लोकल में मैंने आप प्लान किया है, ये हमने राउटर का पोर्ट नहीं, इस आईपी को खरीदने की जरूरत नहीं थी, मैंने खुद किया और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के उसमें जाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा उस सिस्टम के अंदर चला गया जहाँ पे मैंने इन चीज़ों को वीपीएन बनाया है, ठीक है, इसका यूजर नेम ताकि हर कोई एंट्री ना कर सके, ये बहुत जरूरी होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मेरा सिस्टम आ गया। ये मैं वीपीएन सॉफ्टवेयर की मदद से किया हुआ है, मेरे पास दोनों ही है, वीलैन जो मैंने अभी आपको बताया, नेटवर्क को भी मैंने डिवाइड कर रखा है और सबको मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डिविजन कर रखा है। और अपने ही लाइन पे आप कई इंटरनेट को भी यूज कर सकते हैं, एक साथ कई अलग अलग कंपनी के इंटरनेट लेकर भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सारे पॉसिबल हैं इसमें। आप यूजर आप देखेंगे, यूजर लिस्ट अगर आप देखने जाए तो मैंने ग्रुप भी किया हुआ, प्लान भी बना रखा है मैंने, ठीक है। तो प्लान लिस्ट देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एलटीटीसी में 3 कटघरी बनाई हुई आप देख पाएंगे, ठीक है। हमने अब एलटीटीसी में अगर 100 Mbps की स्पीड है तो मैंने 100 Mbps की स्पीड में 60 Mbps के जो डाउनलोड स्पीड है वो मैंने दे रखा है एक डिफ़ॉल्ट के नाम से, जिसको उसमें डालो वो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा स्टॉप कैटगरी है उनको मैंने 40 Mbps तक का इंटरनेट स्पीड कर सकता है, और एक स्पेशल कैटगरी हमने यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के लिए बना रखा है 5 Mbps का। तो ये कुल मिलाकर अभी भी हमारे पास में टोटल हमारे पास में 100 Mbps को मैनेजमेंट करने के लिए मैंने डिसाइड किया हुआ है। तो ये मैंने पहले ग्रुप बनाया और हर ग्रुप के अंदर मैंने यूजर को डिफाइन कर दिया, यूजर का यूजर लिस्ट देखेंगे अगर आप, ये सारे यूजर लिस्ट हैं, ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो आए उनके लिए, ये मेरा खुद का भी है, ठीक है, मैं कब लॉग इन हुआ सारी चीज़ें, ठीक है। अभी मैंने चूँकि यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने छिपा रखा है और डायरेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको उसके अंदर चला जाऊँ रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर मुझे ये सारे यूजर की रिपोर्ट हमें 1 by 1 सारी चीज़ें मिल जाएगी, मैंने कौन सा नेट खोला क्या किया सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी यहाँ पे भी हम सारे चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज कौन सी डेट से सबसे ज़्यादा फेज की और कितने खोली कल के लिए और 3 में बोली, चेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जो वीपीएन की बात कर रहे हैं वो वीपीएन यहाँ पे है, ये हम यहाँ पे लोकल लेवल पे मैंने कॉन्फिगर भी कर रखा है, तो सारे के सारे ये बना सकते हैं एक वीपीएन लोकल लेवल पे 192 का एक मैंने वीपीएन भी यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो यानी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नाउ होपफुली की आर यू ऑल गेटिंग पॉइंट की व्हाट इज द वीपीएन एंड व्हाट इज द वीलैन। वीलैन इज द बिग थिंग, वीलैन एक बड़ी चीज़ है जो नेटवर्क लेवल पे ही बना दी जाती है, वीपीएन लोकल लेवल पे अपने ही नेटवर्क के अंदर और भी छोटे लेवल पे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करना है सॉफ्टवेयर मैनर में कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेज, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन वीलैन कॉन्सेप्ट जो आपका है वो अगर जान जो अगर नेटवर्क में बैठा है तो बनाता है, अदरवाइज वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, वीपीएन के ऊपर हो, ठीक है। और इस वीपीएन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो आदमी को अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो क्या करता है इस सॉफ्टवेयर को बाईपास कर देता है। बाईपास करना बहुत आसान है, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर से तोड़ना दैट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। ये हमारा आज का वीपीएन का शेयर था और अभी हमारे अभी कई से मेरे स्टेशन एक आईपी फोन और इसी जो आप इसको मैं सेव कर लेता हूँ या नेक्स्ट टाइम में इसको बनाते हुए मैं इन सब पे जो आईपी एड्रेस है सबको अलग अलग कैसे मिले उसके बारे में बात करेंगे और एक डिजिटल फोन के बारे में बात करेंगे। दोनों चीज़ें मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन में ही कवर करने का, ताकि मैं स्टेशन और करना चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी का वो आपको कर पाऊँ, ठीक है। ओके सर, एनी क्वेश्चन हो तो यू कैन नॉट कैरी। जितेंद्र सर
आपकी क्वेरी जो है कोई। हाँ सर, आज थोड़ा एनबीए की मीटिंग थी तो मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। आई विल लुक एट द होल वीडियो देन एंड आई विल आस्क क्वेश्चन यस नेक्स्ट टाइम। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। विलेन ने मुझे यही बताया कि यूजर को कैसे छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं, तो इसमें आप एक क्रिटिकल मैंने तो दे ही दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट में इसका भी मल्टीपल डीएसपीटी वाला पार्ट है, उसका मुझे समय लगेगा तो मैं नेक्स्ट में बढ़ाऊंगा। और सर आप किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो सेशन ओवर कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं रखूंगा। अमित सर चलिए, मुझे लग रहा है आज सभी लोग शांत मोड में आ गए आज। कोई बात नहीं, आप लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। यस सर, श्योर सर। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू थैंक यू।